जगह बहुत बढ़िया है और यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आए हुए हैं सच्ची। तो भाई एक बैग मिला हमें, इसके अंदर जूते जमा कर रहे हैं, मतलब चप्पल जूते इसमें रखने हैं और फिर हमें वापस आके मिलेंगे वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ, मस्त से एक नया और दिन अपना डेली के अंदर। जैसे कि मैंने आज आपको कहा था कि हम एक बहुत खूबसूरत सी लोकेशन जाने वाले हैं, तो बहुत खूबसूरत है। उससे पहले पहले अपन को एक कॉल आ रही है बहुत देर से, अभी सविता दीदी की भी कॉल आई थी, कोई हमारा इंतजार कर रहा है द्वारका सेक्टर 22 में। तो चलते हैं उनसे मिलने के लिए, अपने कोई सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था तो उन्होंने सविता दी को मैसेज किया, सविता दी ने मुझे कॉल करी जस्ट और उन्होंने मुझे बताया आपका इंतजार कर रहा है कोई बहुत देर से। तो चलो भाई चलते हैं उनसे मिलने के लिए और गाड़ी निकालते हैं भाई फटाफट। सो भाई सीन कुछ ऐसा था, जिस जगह पे अपन आज जाने वाले हैं मनीत के साथ, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है और उस जगह के बारे में मतलब कुछ बता दूं आपको कि वहाँ पे ना 9 गेट्स हैं और 9 गेट्स का मीनिंग ये है कि किसी भी धर्म से कैसे भी लोग हों सब आ सकते हैं, सबके लिए वो ओपन है जगह। और वहाँ पे ना मूर्ति है ना कुछ है और वहाँ पे लोग मतलब के लिए शांति के लिए जाते हैं बहुत, वहाँ पे जाके मतलब आपको स्पिरिचुअल वाइब्स मिलती हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला जाने का वहाँ पर, और बना तो बहुत ब्यूटीफुल है, इवन बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा वहाँ पे, लेकिन तब भी एंट्री बिल्कुल फ्री है उस जगह की। मुझे जान के हैरानी लगी क्योंकि मैं सुबह सारी सर्चिंग कर रहा था, अपन कोई नई जगह जाते तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना बनता ही है भाई, तो रिसर्च किया और जान के मुझे बड़ी हैरानी हुई भाई कि वहाँ पे मतलब कि इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन सारा फ्री है भाई। फटाफट निकलते हैं अपने घर से, वैसे तो मैं लेट हो चुका हूँ लेकिन एक सब्सक्राइबर भैया आए हैं उनसे मिलना तो बनता है भाई, अपने फैमिली के मेंबर हैं, चाहे अपन कितना भी लेट हो इन्हीं के थ्रू लाइफ में अपन इस जगह तक पहुंचे हैं तो इनसे मिलना तो बनता है भाई। तो चलो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं क्या हालचाल है उनके, अगर टाइम कम हुआ तो उनसे बोलेंगे कोई बात नहीं आप भी चलो हमारे साथ लोटस टेम्पल, ले चलेंगे उन्हें लोटस टेम्पल भाई। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं विवांता होटल के पास, मैंने यही लोकेशन उन्हें बताई थी मिलने के लिए, पता नहीं लेकिन है कहां पर, देखते हैं थोड़ा आगे पीछे होकर। क्या हाल है सर, क्यों परेशान हो रहे हो? बढ़िया बढ़िया भैया जी, कैसे? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो भाई मैंने अपने सब्सक्राइबर भैया को साथ ही बैठा लिया, हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा पहले मनीत के पास और वहीं से मैं सब्सक्राइबर भैया को मेट्रो करा दूंगा, वापस आ जाएंगे। टाइम का मैनेजमेंट कर लिया है मैंने क्योंकि भाई अपन को टाइम कम है और दोनों जगह पहुंचना है और शाम के 5 बजे के आसपास ना जिस जगह हम जा रहे हैं वो बंद हो जाती है तो टाइम से पहुंचना भी जरूरी है। वैसे तो थंबनेल से आपको पता लगा होगा आज मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। भाई के साथ बहुत सारी बातें हुई, भाई ने अपनी मतलब जर्नी के बारे में बताया, भाई बता रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली भाई यूट्यूब की हेल्प लेने आया है तो मैं उन्हें सारी चीज़ें बता दूंगा ताकि उन्हें दिक्कत ना आए आगे भाई। तो पहुंच चुके हैं भाई मनीत के पास और भाई का जाने का टाइम भी आ चुका है, भाई को मेट्रो स्टेशन पे छोड़ते हैं और फिर भाई अपना आराम से एक्टिवा उठा लेंगे वहाँ से और निकल जाएंगे। द्वारका सेक्टर 21 से मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ी करवा दी थी ताकि थोड़ी बहुत देर बात भी कर पाए आराम से, लगभग हमें हो गया होगा 1.25 घंटा पूरा, 1.25 घंटे बातें बातें करिए आराम से मस्त। तो अभी उठाते हैं मनीत को तिलक नगर से और फिर चलते हैं आगे एक नई जगह पर, एक खूबसूरत वाली जगह पर। सो यहाँ आ चुके हैं भाई हमारी होने वाली मंगेतर। ओहो आज तो सूट पहन के आई है, 9 दुर्गे की स्वागत में सूट पहना हुआ है। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं वैसे पानी की बॉटल लेना भूल जाता हूँ तो आज एक घर से पानी की बॉटल उठा के लेके आइए, बताओ। अच्छा पानी घर से पीना है, बाहर का पानी भी नहीं पी सकते? हाँ ये बात भी सही है। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं सब्सक्राइबर भैया को छोड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन, वहाँ से भाई निकल जाएंगे। और भाई कैसा लगा आपको मिलके? बहुत बढ़िया लगा
मुझे तो आपसे मिल के, बहुत बढ़िया बंदे हो आप। चलो भाई, काफी टाइम मिल गया आपको वैसे आराम से। वैसे मैंने सोचा नहीं था मतलब इतनी देर में बात कर पाएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी था ना इस वजह से। चलो कोई नहीं, अभी भाई को मेट्रो स्टेशन छोड़ते हैं और फिर हम निकलते हैं वहां से अपनी एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे। लोकेशन अभी तक नहीं बताई है, लोकेशन बताते हैं फिर आपको। सो भाई को मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया और भाई मनीत हम आज कहाँ जाने वाले हैं? लोटस टेम्पल जाने वाले हैं हम भाई। मैंने बहुत सुना है लोटस टेम्पल के बारे में, वहाँ पे काफी स्पिरिचुअल वाइब्स आती हैं, काफी बड़ा टेम्पल है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। चलो वहीं चलते हैं आपको लेके। वैसे आपको एक बात बता दूं, मतलब मेरे घर से वहां तक पहुंचने के लिए मुझे समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। और मनीत को अभी उठा लिया, अब आधा रास्ता हो चुका है, मिड वे में मनीत का घर पड़ जाता है, तो उसके बाद चलते हैं अब सीधा। यहां से पड़ रहा है कुछ 26 किलोमीटर और हमें लगने वाला है पूरा एक घंटा ये 26 किलोमीटर को क्रॉस करने में। चलो चलते हैं भाई सीधा लोटस टेम्पल के लिए। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी। सो भाई ओखला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी भाई, ये खाली मिली थी जगह। चलते हैं अब अंदर, यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है जहाँ हमें जाना है लोटस टेम्पल के लिए। आपको बता दिया मैंने भाई, चलो अब लेके चलते हैं आपको लोटस टेम्पल। सो आपको तो पता ही है अपनी देवी हमारे साथ है और नौ दुर्गे स्टार्ट हो गए भाई, नौ दिन व्रत पे ही रहने वाली है और उसके साथ साथ यहाँ पे नौ दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। कालका जी मंदिर के दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं नौ दुर्गों के टाइम पे, इवन लोटस टेम्पल के लिए भी। तो यहाँ पे पार्किंग बहुत टफ हो चुकी है और ओवर क्राउडेड हो चुकी है जगह भाई। मुझे नहीं पता इतना क्राउड होगा आज, नहीं तो अपन फिर किसी दिन प्लान बनाते। ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो फिर ज़्यादा ढंग से बता नहीं पाते ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो फील करेंगे यहाँ पे भीड़ इतनी आई है, उन लोगों ने श्रद्धा रखी हुई होगी और इवन बहुत डेकोरेशन भी हो रखी होगी इस टाइम पे। चलो भाई चलते हैं सीधा लोटस टेम्पल के लिए। चलो भाई ले, मास्क ले ले। नहीं मास्क पे अच्छी लगेगी तू, मिट्टी भी नहीं लगेगी, कवरिंग बचेगी। हाँ वैसे तो अच्छी लगती है पर फिर नजर नहीं लगी ना किसी की, ब्लैक कलर का मास्क भूत वाला, लोग वैसे देख के डर जाएंगे। वैसे भी नजर नहीं लगी। नहीं लोग कहते ना घर के बाहर मास्क लगा लो तो फिर भूत नहीं आते, चुड़ैल भी नहीं आती, बुरे नजर का साया बचता है। आप मुझे कहना क्या चाहते? मैं कहता हूँ मुंह कवर करके चलो, भूत वाला मास्क नहीं, बुरका नहीं कह रहा हूँ मैं। चलो भाई पहुंच चुके हैं एंट्री पे भाई लोटस टेम्पल की और यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लोटस टेम्पल के लिए भाई लाइन देख रहा हूँ ना कितनी लंबी है भाई। पर एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे एंट्री फ्री जीरो है, मतलब एक रुपया भी नहीं लगने वाला है अंदर जाने के लिए। चलो चलते हैं आपको लेके अंदर। कितने बंदों का जगह? तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, एंट्री कुछ भी नहीं हुई है लेकिन एकदम से बहुत सारे लोगों को सारा अंदर घुसेड़ा है, क्योंकि भाई अभी क्लोजिंग में मतलब लगभग एक घंटा है, तो लोग जितने ज़्यादा दर्शन कर सकें वो करवाते थे सबको और फिर आराम से लोग निकल भी जाए ऐसे। जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना, पूरी नेचर की क्लोज है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत बड़ा है। हाँ जगह बहुत बढ़िया है और यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आए हुए हैं सच्ची। तो भाई एक बैग मिला हमें, इसके अंदर जूते जमा कर रहे हैं, मतलब चप्पल जूते इसमें रखने हैं और फिर हमें वापस आके मिलेंगे वो। सो बेसिकली अभी जस्ट हम दर्शन करके आए हैं लोटस टेम्पल के। मुझे नहीं पता था अंदर से मतलब कुछ ऐसा होगा कि वहाँ लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, लेकिन जब अंदर गए काफ़ी अच्छा लगा। पर पता है क्या है, लोग यहाँ पे साइलेंट नहीं थे, बार बार वो अनाउंसमेंट कर रहे थे ये लोग साइलेंट कर रहे हो,
मतलब मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। और मेडिटेशन करने के लिए जगह थी, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर भी रहे थे वहाँ पे, पर आवाज़ें आ रही थी तो मेडिटेशन लोगों की ख़राब भी हो रही थी। पर ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु, और जगह काफ़ी क्राउडेड है भाई। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे ना सारे साइड में अलग अलग दिख रहे होंगे आपको पॉन्ड से बने हुए हैं, ये सेम ऐसे ही हैं, और सब ना आपको ब्लू ब्लू रंग में दिखेंगे क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो ब्लू है थोड़ा सा, और पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ कई सारे लोगों ने ना कॉइन्स फेंके हुए, अंदर कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे आपको। और लोटस टेम्पल के ना 9 गेट्स हैं, 9 गेट्स से किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं अंदर, तो सबके लिए सारे धर्मों के लिए गेट खुले हुए हैं और सब यहाँ पर आके अपने भगवान को याद कर सकते हैं। यहाँ कोई अंदर मूर्ति नहीं है, ना कोई बाइबल है, मतलब कोई किताब विताब भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा हॉल है और बिल्कुल साइलेंट हॉल है, और वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो भाई। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सारे मुस्लिम्स भी नज़र आ रहे होंगे, क्रिश्चियंस भी नज़र आ रहे होंगे, और हम दोनों सरदार तो हैं ही और हिंदू तो हैं ही यहाँ पे। एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन क्राउडेड बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से शायद ये आज क्राउडेड है क्योंकि यहाँ पे कालका जी पे ना बहुत सारे लोग दर्शन करने आए हुए हैं नवरात्रि की वजह से, तो सब लोग वहाँ जो दर्शन करने आए हैं वो यहाँ पर भी आ गए हैं इस वजह से, बाकी दिनों पे इतनी भीड़ नहीं होगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पे आके शांति काफ़ी फील होगी। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये जितना भी बना हुआ स्ट्रक्चर है ना पूरा, और एक चीज़ बता दूँ आपको, ये पूरा जो बना हुआ आर्किटेक्चर है ना, ये पूरा मार्बल में बना हुआ, बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत बड़े बड़े साइज के मार्बल्स हैं, और जब आप अंदर जाओगे ना तो इन मार्बल से आपको अलग ही ठंडक भी मिलेगी, और प्लस काफ़ी ब्यूटीफुल है, थोड़ा थोड़ा ताजमहल जैसी फीलिंग आएगी जब आप इसके पास जाओगे। वो भी मार्बल का बना हुआ है और वो इससे ज़्यादा ब्राइट है, मतलब वो ज़्यादा वाइट है इससे, पर ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा, और ये बना लेटेस्ट है भाई, तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ी होगी, तो ये बना है भाई। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से आपको ग्रीट करेंगे अंदर, आपको मतलब मेडिटेशन कराने के लिए हेल्प भी करेंगे। इवन एंट्री के टाइम पे आपको बोल दिया जाएगा अंदर जाते समय वीडियोग्राफी नहीं करनी है, और अगर आपने कोई वीडियोज या फोटोज़ देखे हैं जो अंदर के हैं वो सारे ऑनलाइन जो मुझे मिले होंगे वो दिखाएं भाई। तो अंदर जाके तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर अगर आप आओ तो वीडियोग्राफी क्यों करनी है, यहाँ पे आके मेडिटेशन करना तो आपको शांति मिलेगी काफ़ी भाई, है ना भाई? चलो भाई हम भी चलते हैं अब बाहर, सनसेट के टाइम काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है भाई। एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो यहाँ आने के लिए, तो बेस्ट टाइम पता है क्या है यहाँ आने का? क्या टाइम है? सुबह का टाइम बेस्ट है, और 8:30 बजे का टाइमिंग है इसका ओपनिंग का, तो अगर आप उस टाइम आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप यहाँ आ भी रहे हो और दोपहर के टाइम आ रहे हो तो ध्यान रखना, एनी हाउ आपको 3:30 बजे के आसपास एंटर कर जाना है, ताकि आप यहाँ पर आके अच्छी वाइब्स ले पाओ, क्योंकि अगर आप लेट हो गए, जैसे एग्जांपल है 4:30 बजे के लगभग आए, तो ये आपको धक्का मारेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो। दूसरा क्राउडेड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो जो चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए होगे शांति के लिए, वो शांति नहीं मिलेगी सर, फिर जल्दबाजी हो जाएगी ना। अगर आपको मेडिटेशन करने के लिए आना है तो आप सुबह आ सकते हो, बाकी यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया है। इवन यहाँ पे जोड़ा घर भी मतलब थैला दे देंगे हाथ में, जोड़े हाथ में उठा के सीधा क्रॉस करना है, अंदर के रखने नहीं है, और बाहर आओगे फिर पहनना है मंदिर के। चलो भाई अब चलते हैं मंदिर के बाहर, लोटस टेंपल के, काफ़ी ब्यूटीफुल था भाई। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, बहाई धर्म का टेम्पल है ये, जो धर्म है ना वो सबको इन्वाइट करता है, सारे लोग आ सकें यहाँ पे, एक साथ ह्यूमैनिटी के साथ रह सकें, तभी इसके 9 गेट्स भी हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, फोटोज वोटोज ले लेते हैं लास्ट। अच्छा मुझे देर में लगा, सॉरी सर भाई, हमें भी तो दे दो। तो मुझे इंडिया में श्रीलंका वाला लाल हार मिल चुका है भाई, पूरा लाल है। अच्छा है काफी, और उसमें मलाई भी है। सो नारियल तो नारियल, मलाई के भी मजे ले लो भाई, मलाई भी मिल गई नारियल के अंदर। सो भाई बढ़िया से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं भाई, अब चलते सीधा धन्नो के पास। ओ धन्नो नहीं, अपनी गाड़ी के पास, धन्नो की याद बहुत आ रही है ना, इसलिए धन्नो को मुंह से निकल ही जा रहा है। चलो कोई नहीं, धन्नो भी कुछ दिन बाद राइड करने वाले हैं, और कुछ मस्ती राइड भी करेंगे। खैर अभी चलते हैं कार पे,
और ये फ्रूट्स खा सकती है, इसे फ्रूट्स देखने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि और कुछ नहीं खा सकती है। और एक खाती भी कम है, मतलब एक फ्रूट खाएगी बस, ऐसी कुछ होता है ना। अरे बाप रे, ज्यादा भूख नहीं लगती। हाँ, और नमकीन वाली चीज खा सकती है, नमक वाली। हाँ, डाइट होता है जो नवरात्रि नवरात्रों में खा जाते हैं, आलू लाइक। वैसे नवरात्रि थाली भी तो आती है। हाँ, वो खा सकते हैं, हल्दीराम पे आती है ना। हाँ, वो खा सकती है रोज एक नवरात्रि थाली। अगर हमने पूरा दिन खाया तो पास किस बात का। हाँ, ये बात भी सही है। तो अभी सुबह से तूने क्या क्या खाया? मैंने चाय पी थी सुबह। हाँ, बस अब मैंने एक नारियल पानी पिया बस। Yes. इतने में तो मैं मतलब सूख जाऊं अंदर से। मैंने आज तक सच्ची में कभी व्रत नहीं रखा। मम्मी रखती थी पहले नवरात्रि का व्रत, कभी कभार रखती थी, मतलब लास्ट डे वाला रखती थी बस। और जब उनको डॉक्टर ने मना कर दिया, उसके बाद से उन्होंने वो भी रखना बंद कर दिया। अब एक और बंदी आई है लाइफ में। फर्स्ट डे है अभी, और रहते हैं दिन, 7 दिन और रहते हैं। 9 दिन होता है ना। हाँ, बट हम अष्टमी करते हैं ना। अच्छा, 7 डेज और रहते हैं। हाँ, मम्मी भी अष्टमी करती थी, 8 डे पे खत्म हो जाता था, यही होता है। चलो ठीक है, अपन चलते हैं गाड़ी पे भाई। सो भाई, हमने जहाँ गाड़ी पार्क करी थी वो जगह सबसे बढ़िया थी भाई। मैंने आपको जगह तो वीडियो की स्टार्टिंग बताई दी थी। पार्किंग आपको बताऊँ, सिर्फ 50 रुपीज पड़ी और आराम से पार्क भी हो गई। इससे पहले कालका जी की पार्किंग थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, निकालने और लगाने में हालत ख़राब हो जाती। मेरे ख्याल से वहाँ से 10 या 20 रुपये महंगी पड़ी हुई हमें पार्किंग, लेकिन वर्थ थी भाई। और यहाँ से पास में ही लोटस टेम्पल, या इवन आप कालका जी मंदिर जाना चाहो तो भी पास ही है। दोनों में से कोई भी जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ की गाड़ी पार्क कर सकते हो आप। और बेस्ट टाइम अभी है विजिट करने का कालका जी मंदिर, अगर आप जाना चाह रहे होगे तो। चलते भाई वापस घर के तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है घर पहुंचने का। और मैं आपको बता दूं, 80 किलोमीटर्स अभी ये और चल जाएगी। कल हम साकेत भी गए थे इससे, और आज मैंने इसे कोई चार्ज नहीं किया, और कल रात भी कोई चार्ज नहीं किया था, और आज भी चल गई है भाई। मस्त एवरेज है भाई इलेक्ट्रिक कार का। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ चले। आपको कैसा लगा आज मंदिर में विजिट करके? अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यार। और इवन जो कल हम गए थे ना कुतुब मीनार, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। चलो अब निकलते हैं सीधा घर के लिए। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रे। मैप ने ना उल्टे सीधे गलियों में घुसा दिया, क्योंकि मेन रोड्स पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। एक तो संडे है, ऊपर से आज पहला नवरात्रि है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले हुए घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और बहुत सारे लोग काफी दिनों से शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चल रहा था ना श्राद्ध चल रहे थे, तो श्राद्ध के बाद आज सब लोग निकले शॉपिंग के लिए संडे को भाई। तो सारी मेन रोड्स इस वक्त जैम पैक्ड है, और हम अंदर की गलियों से निकल के जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 100 लगे टुंडे लाल दी, सही कह रहा हूँ ना मैं। सो लो भाई, हम पहुंच चुके हैं मनीत के घर। मनीत को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, और इसे तो बाय बाय कह देंगे। उससे पहले पहले मैं आपको एक बात बता दूं भाई, आज जो गूगल मैप हमने यूज किया ना, उससे काफी टाइम बच गया। वैसे अगर दूसरी जगह से जाते तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता, ट्रैफिक बहुत था, सारे लोग बाहर निकले हुए थे। इस वजह से कई बार कहते हैं गूगल आंटी सही बताती है, फायदा हो जाता है उससे। पर इसका मानना है कि नहीं बताती है ना। नहीं बताती, पूरा घूम कर आए हैं। हाँ, ये शॉर्टकट से ले आती है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक होता बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक में क्या मजा है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, खड़ी नहीं रहनी चाहिए। चलो बाय बाय कर दो सबको, जय माता दी, जय माता दी। चलो मिलेंगे कल फिर से, कल इनसे नहीं मिल पाएंगे, कल अपन कहीं और जा रहे हैं, वो आपको कल वाले वीडियो में पता लगेगा। खैर चलो बाय बाय। चले जा, बाय बाय। कल नहीं मिल रहे? हाँ नहीं मिल रहे। पक्का चले जा? बाय गाइस, लाइक शेयर कमेंट कर देना। अब मेरे में एनर्जी नहीं रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। कल मैं घर जाके खाऊंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। ठीक है, बाय बाय। चलो अपना भी टाइम हो चुका है सीधा घर के लिए भाई। घर चलते हैं, कार को लगाएंगे चार्जिंग पे और रेस्ट करेंगे भाई ढंग से, क्योंकि भाई अपन को कल कुछ स्पेशल काम करने जाना है, वो कल वाली वीडियो में बदलेगा। अभी तक मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो बदलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलते हैं। It is time for score update.
chasing 285 runs. England are trailing at 29-1. क्या इंग्लैंड जीत पाएगा ये मैच? देखते हैं। सो भाई हमने ईवी कार को लगा दिया चार्जिंग पे भाई, और मैं आपको बता दूं दिल्ली में ना भाई पार्किंग का बहुत इशू है। अब देखो जैसे ईवी चार्जिंग लगानी है तो एक गाड़ी को आपको यहाँ पे खड़ा रखना पड़ेगा जहाँ पे ईवी की चार्जिंग लगनी है। तो बेसिकली जो गेट है ना इसके अंदर ईवी की चार्जिंग लगती है, वहाँ से चार्जर निकलता है। ये भाई लेके खड़े ना सुनील भाई तो यही चार्जर लगता है गाड़ी के अंदर, और फिर वो दूसरी गाड़ी जो है ना वो इस जगह को रिजर्व करके रखती है। जब वो हटेगी तो ये यहाँ होनी चाहिए, और जब ये हटेगी तो वो यहाँ होनी चाहिए। मतलब एक गाड़ी परमानेंटली रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल में रहेगी रहेगी। मतलब आप सारी गाड़ियाँ एट अ टाइम यूटिलाइज नहीं कर सकते भाई, एक गाड़ी पार्किंग के लिए लगी रहेगी भाई। ईवी का ये झंझट है भाई सच्ची यहाँ पे। सो ये लेके आ गया यहाँ पे चार्जर, और ये निकाल लिया भाई, लगा लो भाई। लग गया है, लो भाई इसमें लग चुका है। चालू कर दिया? चालू कर दिया। क्या बात है, अब सबसे पहले इसका फैन चालू हो जाएगा जैसे ही ऑन हो गया तो, और इसमें नंबर्स भी आ जाएंगे ऑन होने के। लो भाई थोड़ी देर बाद ये चालू हुई है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और देखो अंदर लिख चुका, और देखो अंदर लिख के अभी आ गया है चार्जिंग स्टार्टेड, और सामने बैटरी दिखा रही है 12% बैटरी बची थी बस इसमें। अभी भी ये चल सकती थी 23 किलोमीटर्स, पर सही है टाइम से ले आया, रास्ते में कहीं फंसने से तो अच्छा ही है। चार्ज हो जाएगी फिर आराम से ले जाएंगे इसे चार्ज होने के बाद यूज़ करने। सो मैं घर लौट के वापस आ चुका हूँ, और यहाँ पे चल रहा है तंबोला भाई, खतरनाक वाला। अभी यहाँ पे लगातार खतरनाक तरीके से सब लोग पैसे लगाने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस की रेड भी पड़ेगी। सही कह रहा हूँ विपिन भाई? मजाक कर रहा हूँ, 5-5 रुपए का खेलते हैं लोग, ज्यादा महंगा नहीं खेलते हैं। तो मस्त खेलते हैं तंबोला भाई, नहीं 50-50 का भाई। अच्छा ज्यादा बेइज्जती करती शायद। चलो भाई तंबोला स्टार्ट करते हैं, और यहाँ आइसक्रीम पार्टी भी चल रही है। ओहो चीयर्स। मैं घर वापस लौट के आ चुका हूँ, चंचल के सारे फ्रेंड्स आए हुए। चलो आइसक्रीम खाते हैं लेकिन ये सारे डॉक्टर हैं, सबके दांत तोड़ते हैं। दांत तोड़ दो ना आप, बचाते हैं यार दांत, बचाते हैं, तोड़ते क्यों हैं? पेशेंट को तुम डरा दो, हमारे गोली मारते हैं, ये गोली मारते हैं। अरे बाप रे, और उन्हें ज्यादा मारते हैं। अच्छा लगता है ये वो वाला सीन है, फंसने वाला, समझ नहीं, शादी वाला। क्यों रहना, 2 बजे जाना है। बहुत बुरा हाल है, सुप्रीत जी नंबर बोल रही है और एक भी नंबर नहीं आ रहा है, कसम से एक भी नहीं हुआ। इस गेम में खतरनाक बेईमानी हुई है, इसका साक्षात प्रूफ हूँ मैं, मेरा कुछ भी नहीं आया रे, 1 रुपया का भी नहीं आया, और ये भाई का भी कुछ नहीं आया। कैसी फीलिंग है भाई? जीरो, बहुत अच्छी, लेकिन टोल के पैसे उधर से निकल गए। अरे बाप रे, ये तो कंबाइनेशन में निकाल लिया रहा पैसे। मैं कच्ची भाई पे आया था, कच्ची भाई मतलब नया नया प्लेयर आया था ना, तो मेरा कुछ भी ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, इन्होंने पता है हिसाब ही गलत लिखा था उसके अंदर, हिसाब में मेरी काउंटिंग नहीं हुई है भाई, है ना भाई? मेरा ना देने थे ना कुछ था, मैं हारा भी नहीं जीता भी नहीं, दुखी नहीं हो रहा किसी को, है ना? बेसिकली वोटिंग में ही नहीं आया हो तुम। हां मैं वोटिंग में काउंट नहीं हुआ भाई, अंडर 18 हो तुम। सो दोस्तों तंबोरा हो चुका है खत्म, सोने का टाइम हो चुका है, रात काफी लेट हो चुकी है भाई, कल सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कुछ कमेंट करके जाना तो बनता ही है। कल कुछ एक नई जगह पे जाने वाले हैं, नई जगह मतलब कुछ एक काम रह गया जो करना बाकी है वो करेंगे, सुप्रीति परेशान कर रही है। मिलते हैं कल, बाय बाय।